हेलो भाई, मैं अंकित। ये है हीरो की मेस्ट्रो एड्स का न्यू मॉडल जो हाल ही में लॉन्च हुआ है। भाई इसका वीडियो बहुत ही लेट आ रहा है क्योंकि हमारे नज़दीकी शोरूम्स में अवेलेबल नहीं था। आज हम इसी के सारे फीचर्स, प्राइस, स्पेक्स सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो भाई काफ़ी अट्रैक्टिव दिखती है फ्रंट से। बात करें इसके कलर ऑप्शन की या फिर वेरियंट की, तो इसमें अपने को तीन वेरियंट्स मिल जाते हैं, ड्रम, डिक्स और एक कनेक्टेड वेरियंट आता है। आपको सब में लगभग छः कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। जो जो कलर ऑप्शन मिलता है वो आपका डिस्प्ले पर दिख जाएगा। भाई काफ़ी मतलब शार्प इसका डिज़ाइन बनाया गया इस बार। पहले आपको थोड़ा बोल्ड देखने को मिलता था इसका फ्रंट, लेकिन काफ़ी इस बार शार्प बनाया गया है। यहाँ पे हीरो का लोगो दिया गया और यहाँ पे आप देखोगे तो प्रोजेक्टर दिया गया जो कि एलईडी है। भाई काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रही है भाई मेरे को तो। और यहाँ पे अपने को नंबर प्लेट का माउंट मिल जाता है और बाकी फेंडर आप देख लो इस तरीके का मिलता है। यहाँ पे अपने को इड्स की बैजिंग मिल जाती है, बाकी यहाँ पे भी ग्राफिक्स दिया गया और यहाँ पे कनेक्टेड की बैजिंग दी गई है। ये हम जो देख रहे हैं ये टॉप एंड वेरिएंट है। यहाँ पे अपने को देखोगे तो इंडिकेटर मिल जाता है जो कि हेलोजन है और यहाँ पे इस तरीके का डिज़ाइन दिया गया है। मतलब काफ़ी शार्प बनाया गया भाई इस स्कूटर को। और यहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी अट्रैक्टिव मडगार्ड दिया गया है जिसका डिज़ाइन आप देख लो, इस तरीके का डिज़ाइन दिया गया है। यहाँ पे ब्लैक की फिनिशिंग दी गई है और यहाँ पे अपने को दोनों साइड रिफ्लेक्टर मिल जाता है जो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे IBS की बैजिंग दी गई है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। बाकी अलॉय व्हील आपको नॉर्मल वाला मिलता है भाई, कोई मतलब ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं मिलता है अलॉय व्हील, नॉर्मल सा अलॉय व्हील मिलता है। बाकी टायर प्रोफाइल की बात करें तो इसमें अपने को मिलता है 90x90 R12, मतलब ये वाला 90 है, ये वाला 90 और 12 इंच का अलॉय मिल जाता है। बाकी इसके ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें IBS का ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है आपको। फ्रंट में 130mm का ड्रम मिलता है, बाकी रियर में 130mm का ड्रम ही मिलेगा। अगर आप इसका डिक्स वाला वेरिएंट लेते हो तो उसमें 190mm का डिक्स मिलेगा फ्रंट में, बाकी रियर में भी 130mm का ड्रम ही मिलेगा। लेफ्ट साइड व्यू की बात करें तो कुछ इस तरीके की दिखती है भाई मेस्ट्रो एड्स, काफ़ी मस्त दिख रहा है। मतलब इसका जो चेंज करा गया है ना बस आगे वाला, बाकी रियर वाला पोर्शन वही है, वही वाला डिज़ाइन मिलता है, बस ग्राफिक्स आपको अलग दिया गया है। बाकी रियर टेल लाइट वगैरह आप देखोगे तो वही पुराना वाला है। यहाँ पे अपने को इस तरीके का प्रोग्राम FI की बैजिंग मिल जाती है और इस तरीके का फ्लोरबोर्ड मिल जाता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई देखने में। और यहाँ पे आप देखोगे तो ग्राफिक्स मिल जाता है 125 प्लस इड्ज का। और यहाँ पे मेस्ट्रो की बैजिंग दी गई है जो कि 3D है। ये सब आपको 3D नहीं मिलता, ये वाला 3D मिलता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो पिलियन के लिए फुटबैक दिया गया है जो कि एलुमिनियम का है भाई, इसमें रबर आपको देखने को नहीं मिलता। बाकी इसमें साइड स्टैंड इंजन कटऑफ का भी फीचर्स है। अभी स्टैंड लगा नहीं हुआ है भाई, निकला है अभी, लगेगा क्योंकि अभी शोरूम में खड़ा है ना भाई। और यहाँ पे अपने को इस तरीके का इंजन मिल जाता है भाई, इसमें किक स्टार्ट भी आता है देख लो। और ड्यूल वाला स्टैंड अपने को इस तरीके का मिलता है। और बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो ग्रैबरेल इस तरीके का मिल जाता है जो कि फुल्ली ब्लैक में मिलता है। बाकी इसके रियर टायर प्रोफाइल की बात करें तो रियर में अपने को मिलता है 90x100 R10, मतलब ये वाला 90 है, ये वाला 100 है और 10 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता है। फ्रंट वाला आपको 12 इंच का मिलता है मगर रियर वाला 10 इंच का मिलता है। बाकी रियर व्यू की बात करें तो भाई इस तरीके की दिखती है मेस्ट्रो एड्ज, मस्त लगता है भाई देखने में मेरे को तो भाई। और यहाँ पे देखोगे तो हीरो की बैजिंग दी गई है। यहाँ पे अपने को टेल लाइट का सेटअप मिल जाता है जो ये इंडिकेटर आप देख रहे हो हैलोजन ही है। बाकी यहाँ पे आप देख लो नीचे इस तरीके का रिफ्लेक्टर मिल जाता है, बाकी नंबर प्लेट का माउंट और यहाँ पे मडगार्ड मिल जाता है जो कि फ्लेक्सिबल है भाई, ज़्यादा हाँ ठीक ठाक है, फ्लेक्सिबल, टूटेगा नहीं भाई मेरे हिसाब से। राइट साइड से देखते हो तो भाई इस तरीके की दिखती है भाई, जैसा उस साइड आपको डिज़ाइन मिलता है वैसा ही इस साइड भी डिज़ाइन मिलता है, कोई चेंजेज आपको देखने को नहीं मिलता। 125 की बैजिंग, इड्स की बैजिंग और यहाँ पे मेस्ट्रो इड्स की बैजिंग। और इस तरीके का अपने को एग्जॉस्ट सिस्टम मिल जाता है जो कि काफ़ी मस्त है भाई, ब्लैक की फिनिशिंग के साथ, ज़्यादा स्पोर्टी और एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं मिलता अपने को, फुल्ली ब्लैक में मिलता है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो फ्लोरबोर्ड पे ऐसे ड्यूल टोन का मतलब दिया गया है, यहाँ पे येलो, यहाँ पे कुछ अलग कलर का, यहाँ पे ब्लैक की फिनिशिंग के साथ, मतलब अच्छा लग रहा है कॉम्बिनेशन भाई, काफ़ी यूज अच्छा करा गया। और यहाँ पे आप देखोगे तो I3S की बैजिंग मिल जाती है और यहाँ पे इस तरीके का स्टिकर दिया गया है। इस स्कूटर में I3S टेक्नोलॉजी भी आता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे आप देखोगे तो हुक भी मिल जाता है, ये काफ़ी अच्छी बात है भाई, दोनों साइड आपको हुक मिल जाता है, यहाँ पे भी हुक मिल जाता है, यहाँ पे भी हुक मिल जाता है, मतलब सामान आप आराम से कैरी कर सकते हो। और यहाँ पे देख लो भाई काफ़ी शार्प डिज़ाइन किया गया है, फ्लोरबोर्ड भाई काफ़ी मस्त डिज़ाइन करा गया है और यहाँ पे इस तरीके का डिज़ाइन मिल जाता है। और सीट देखोगे ना भाई काफ़ी वाइड सीट मिलता है अपने को, इस पर तीन जने तो भाई मेरे हिसाब से बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहाँ पे देखो इस तरीके का फिनिशिंग दिया गया, यहाँ पे इस तरीके का फिनिशिंग दिया गया। बाकी इसके कंट्रोल्स की बात करें तो पहले की आपको मैं दिखला देता हूँ, की भाई काफ़ी हेवी मिलता है अपने को, मस्त की लग रहा है भाई हेवी सा। सीट खोलने के लिए अपने को यहीं पर मिल जाता है या फिर फ्यूल नोब खोलना है, फ्यूल नोब आपको यहाँ पर मिलता है एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग, यहाँ पर मैं आपको एक बार ओपन भी करके दिखला देता हूँ। देखो इस तरीके का अपने को फ्यूल नोब मिलता है जो कि एक्सटर्नल है भाई, काफ़ी अच्छी बात है भाई, खोलने के लिए आपको कहीं नहीं जाना, बस यहाँ से पुश कर देना है आपका फ्यूल नोब खुल जाएगा। यहाँ पे अपने को मल्टी फंक्शन की स्विच मिल जाता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी इस तरीके का अपने को पासिंग लाइट मिल जाता है, इंडिकेटर मिल जाता है, हॉर्न मिल जाता है, यहाँ पे I3S का बटन मिल जाता है और यहाँ पे सेल्फ का बटन मिल जाता है। मैं एक बार हॉर्न बजा के देखता हूँ भाई,
और सिंगल ही हॉर्न है लेकिन काफ़ी लाउडली हॉर्न मिलता है भाई। और आप जो ये मिरर देख रहे हो ना, मिरर पे थोड़ा सा अलग डिज़ाइन का फिनिशिंग दिया गया है, देख लो, कार्बन का फिनिशिंग दिया गया है। क्रोम का तो नहीं इसमें मिरर मिलता आपको, कार्बन का फिनिशिंग दिया गया जो कि काफ़ी मस्त लग रहा है देखने में, शायद ही भाई आपको दिख रहा होगा भाई। बाकी इस तरीके का अपने को मीटर कंसोल मिल जाता है जिसमें आपको भर भर के फीचर्स मिल जाता है भाई, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टाइम, फ्यूल गेज, ट्रिप, अपने को इसमें ट्रिप मिलता है, दो ट्रिप मीटर मिल जाता है, एवरेज मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाता है, टर्न बाई टर्न नेविगेशन मिल जाता है। इसके अलावा आपकी गाड़ी कितना माइलेज दे रही है वो भी बतलाएगा, मतलब आपको इसमें जो एडवांस फीचर्स आज के डेट में चल रहा है ना वो भी मिल जाता है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाता है, यहाँ पे आप देखोगे तो इंडिकेटर मिल जाता है, ऑल फंक्शन, साइड स्टैंड लाइट, हाई बीम लाइट, लो फील इंडिकेटर, इंडिकेटर I3S टेक्नोलॉजी वाला लाइट, ये अगर आप ऑन करते हो तो ये वाला जल जाएगा, बाकी ऑफ करते हो तो ये बुता ही रहेगा। मतलब जो जो फीचर्स चाहिए भाई आज के बंदों को वो सब चीज़ फिल कर दिया है भाई हीरो ने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको भर भर के फीचर्स मिल जाता है। और इसमें आपको हीरो ऐप कनेक्ट का भी फीचर्स मिलता है, उसके जरिए आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, वो मैं आपको आगे चल के बतलाता हूँ। और यहाँ पे आप देखोगे तो हीरो की बैजिंग दी गई और यहाँ पे भी आपको बॉडी कलर की फिनिशिंग मिल जाती है, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई देखने में। ये वाला मेरे को थोड़ा सा जैसे यहाँ पे ढका हुआ है, यहाँ पे भी ढका रहता है तो थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी भाई ब्लैक में उतना पता नहीं चल रहा है। और इसका भी कुशनिंग भाई काफ़ी सही मिलता है आपको, सही है भाई, इसका कुशनिंग काफ़ी मस्त मिलता है आपको, इतना अपने को बूट स्पेस मिल जाता है, जितना मतलब बूट स्पेस आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। और यहाँ पे अपने को USB चार्जिंग पोर्ट वाला मिल जाता है और यहाँ पे अपने को लाइट मिल जाता है, मतलब इसमें आपको USB चार्जिंग पोर्ट बाहर नहीं मिलता, अंदर भी मिलता है यहाँ पे, बाकी बूट लाइट भी दिया गया कि ये काफ़ी अच्छी बात है। और इसमें अपने को रिंच वगैरह मिल जाता है, फर्स्ट एड वगैरह मिल जाता है, ये सर्विस वाला है। इसमें आप एक हेलमेट आराम से रख सकते हो, फुल फेस हेलमेट तो नहीं आएगा मगर हाफ फेस हेलमेट आराम से आप रख सकते हो। और इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस ऐसे कर देना, बंद हो जाएगा लॉक ऑटोमेटिक। बाकी इसके सीट कुशनिंग की बात करें तो भाई सीट कुशनिंग बढ़िया मिलता है। और यहाँ पे आप स्पेस देख लो, बहुत ही अच्छा स्पेस ऑफर कर रही है हीरो, मतलब इतना दूर में मेरा पैर आ जा रहा है फिर भी अपने को लेग बहुत ही अच्छा मिल जाता है भाई, स्पेस बहुत ही अच्छा ऑफर कर रही है हीरो। और सीट भी भाई काफ़ी अच्छा है, इस पर तीन जने तो आराम से बैठ सकते हैं लेकिन तीन जने को बैठना नहीं चाहिए। ये बात करें मेस्ट्रो एड्ज 125 के इंजन की तो इसमें अपने को 124.6 सीसी का 4-स्ट्रोक एयरकूल SI फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाता है जो मैक्सिमम 9 BHP का पावर और मैक्सिमम 10.4 NM का टॉर्क जनरेट करता है, मतलब काफ़ी अच्छा पावर फिगर भाई ऑफर कर रही है हीरो इस स्कूटर में। मैं इसका आपको एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ, काफ़ी साइलेंटली स्टार्ट हो गई भाई, कोई दिक्कत वाले देख लो, मतलब एकदम आपको साइलेंट एग्जॉस्ट साउंड मिलता है, कोई ज़्यादा आवाज़ नहीं आपको, एकदम स्मूथ सा। और इसका मैं आपको DRL भी दिखलाता हूँ, फिर से ऑन करना पड़ेगा, देख लो इस तरीके का अपने को हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है। और यहाँ पे पहले भी आपको DRL मिलता था और आज भी DRL है। और बात करें इस स्कूटर के कुछ डायमेंशन की तो इसमें अपने को 5 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, रिजर्व का ऑप्शन नहीं मिलता क्योंकि इसमें फ्यूल इंजेक्शन इंजन आता है। बाकी इस स्कूटर का टोटली कर्वेट 112 kg, इसमें अपने को ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 155 mm का जो कि सही है भाई इंडियन रोड में, मतलब थोड़ा कम है लेकिन फिर भी सही है। बाकी सीट हाइट इसमें अपने को मिलता है 775 mm का जो कि ठीक ठाक है, इसका अगर आपका हाइट 5'3" भी है, 5'2" भी है तो आप आराम से इस स्कूटर को चला सकते हो। बाकी इसमें साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का भी फीचर्स ऐड करा है हीरो मोटोकॉर्प ने। बाकी बात करें मेस्ट्रो एड्ज के प्राइजेज की तो दिल्ली के एक शोरूम के हिसाब से 72,250 रुपये से शुरू होकर 69,750 रुपये तक मिल जाती है। अगर आप इसका टॉप एंड वेरिएंट लेते हो तो उसका दिल्ली के एक शोरूम के हिसाब से 80,000 के आसपास पड़ेगा भाई। और मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा शाहबाद मोटर को, अगर आप सासाराम या फिर रोहतास से बिलोंग करते हैं या खासकर बिहार से भी बिलोंग करते हैं तो आप इनके शोरूम में ज़रूर विजिट कर सकते हैं। आपको जो मॉडल चाहिए, जो कलर ऑप्शन चाहिए भाई यहाँ पर भर भर के मिल जाएगा, आपको जो भी कलर चाहिए, जो मॉडल चाहिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप इनके शोरूम में ज़रूर विजिट करें। मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यही था भाई मेस्ट्रो एड्ज 125 का पूरा डिटेल्स। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।